ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। राज्यसभा में कल नया मोटर व्हीकल एक्ट पास हो चुका है, अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। नए मोटर व्हीकल एक्ट में विभिन्न मदों में जुर्माना राशि बढ़ाई जा रही है। सीट बेल्ट नहीं बांधने, हेलमेट नहीं लगाने जैसे साधारण ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पहले जहां जुर्माना राशि 100 से 200 रुपए लगती थी, अब वो जुर्माना राशि 1000 रुपए हो चुकी है। इन नए बदलावों को लेकर क्या सोचते हैं शहरवासी, क्या इससे लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति बढ़ेगी जागरूकता, नए नियमों से ट्रैफिक पुलिस के लिए आसानी होगी या बढ़ेगी परेशानी, इसका जायजा लिया फर्स्ट इंडिया न्यूज संवाददाता काशीराम चौधरी ने। मोटर व्हीकल एक्ट में 30 साल बाद संशोधन होने जा रहा है और इसमें कई तरह के बदलाव जो हो रहे हैं, जिनमें कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर जुर्माना बढ़ाया जा रहा है। इस वक्त हम रामबाग शहर के रामबाग सर्किल पर हैं और यहाँ पर ट्रैफिक के नियमों के प्रति कितनी जागरूकता है लोगों से बात करेंगे। सर, नया मोटर व्हीकल एक्ट जो लागू हो रहा है जिसमें कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो अभी 100 रुपये जुर्माना लगता है, उसको 1000 रुपये लगा रहे हैं, तो क्या आप ठीक मानते हैं इसको? सही है। क्या मानते हैं आप, मतलब क्या इससे ट्रैफिक नियमों की जो पालना बढ़ेगी? हाँ। अब आप जो लोग बिना कई बार हेलमेट लगाए सफ़र करते हैं वो ऐसा रुक जाएंगे उससे? जरूर रुकेंगे। आप यात्रा करते हैं, आप अक्सर हेलमेट लगाते हैं आप जब भी वाहन पर चलते हैं? लगाते हैं। और आप जो नया कानून आ रहा है जिसमें कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो 1000 रुपये जुर्माना लगेगा, इसको आप कितना ठीक मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं। तो यहाँ पर जो वाहन चालक हैं वो इसको आमतौर पर ठीक मानते हैं, उनका कहना है कि इससे ट्रैफिक नियमों की जो पालना है उसको लेकर कानून। आप जब भी हेलमेट लगाते हैं तो हमेशा अक्सर हेलमेट लगा कर ही सफ़र करते हैं? सर, हेलमेट लगा के चलते हैं। तो जो वाहन चालक हैं, जो दोपहिया वाहन चालक हैं, वो हेलमेट लगा अगर नहीं लगाएंगे तो 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। अगर कोई सीट बेल्ट नहीं बांधेगा तो उसे अभी जो 200 रुपये जुर्माना लगता है उसे 1000 रुपये जुर्माना वहन करना होगा। हरी सिंह जी, जो ट्रैफिक आप संभालते हैं यहाँ पर, अब जो नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो रहा है उसमें जो जुर्माना राशि बढ़ाई गई है उसको कितना ठीक मानते हैं? उसको बढ़िया मानते हैं, अंकुश लगेगा लोगों पर, काफ़ी अंकुश लगेगा। किस किस तरह के इसमें और बदलाव हो रहे हैं ट्रैफिक नियम पर? इसमें जैसे रेड लाइट का हो रहा है, लाइसेंस का हो रहा है, लाइसेंस का जुर्माना बढ़ रहा है, सीट बेल्ट का जुर्माना बढ़ रहा है, इसे काफ़ी अंकुश लगेगा पब्लिक के। तो जो लोग जो ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं उन पर काफ़ी अंकुश लगेगा, ऐसा ट्रैफिक पुलिस का भी मानना है और जो वाहन चालक हैं यहाँ पर उनका भी मानना है। एक हम अभी फिलहाल यहाँ नज़ारा देखेंगे, एक भाई साहब जो सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई थी, किस तरह का सर इन्होंने वो किया है फिलहाल यहाँ पर जो आप चालान बना रहे हैं इनका? इन्होंने स्टॉप लाइन का उल्लंघन किया है, स्टॉप लाइन का उल्लंघन करने पर इनका 100 रुपये का जुर्माना है और इसकी रसीद काट रहा हूँ। अब जो नया मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें 100 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये होने जा रहा है स्टॉप लाइन वाला, तो इसको कितना ठीक मानते हैं? भाई, जो नया जो प्रावधान हुआ है उसमें सख्ती हुई है, तो जहाँ सख्ती होती है तो नियमों को फॉलो करते हैं लोग बाग, इसलिए जहाँ सख्ती है वहाँ नियम फॉलो होंगे, ये अच्छा लगा है, अच्छा बना है और ये अच्छा ही साबित होगा। भैया, आपने स्टॉप लाइन को क्रॉस कर लिया था, अभी 100 रुपये में जुर्माने में आप छूट रहे हो, लेकिन अब नया कानून लागू हो रहा है उसमें 1000 रुपये जुर्माना लगेगा, उसको कितना ठीक, उसको क्या मानते हो आप? गलती करेंगे तो 1000 रुपये भी भुगतने पड़ेंगे। तो आप क्या अब आगे से गलती ऐसी नहीं करोगे? गलती तो हमने आज भी नहीं करी, आज भी रूल को फॉलो ही कर रहे थे, आगे ट्रैफिक जाम था, धीरे धीरे चलते। येल्लो का मतलब क्या होता है? येल्लो का मतलब क्या होता है? यही सिखाया गया है रूल फॉलो में कि येल्लो का आप सामने देख के क्रॉस कर सकते हो गाड़ी, आगे ट्रैफिक था, गाड़ी निकल के पीछे भी नहीं जा सकता, आगे भी नहीं जा सकता, मैंने गाड़ी रोकी है, मैंने रेड लाइट क्रॉस नहीं करी है। तो इनका मानना है कि उन्होंने जो स्टॉप लाइन थी उसको क्रॉस नहीं किया था, लेकिन ये देखिए, ये तो एक तरह का तर्क हो सकता है, लेकिन जो आम लोग हैं फिलहाल इस ट्रैफिक जो नया मोटर व्हीकल एक्ट जो लागू होने जा रहा है उसको लेकर ये आश्वस्त हैं कि जब अगर जुर्माना राशि बढ़ेगी तो निश्चित रूप से ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता आएगी और वो अगर गलती करेंगे तो ज़्यादा जुर्माना चुकाने के लिए भी तैयार रहेंगे। कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार के साथ काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।